का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज के सेशन में हम सिंपलीफिकेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक इसका हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और बेसिकली हमने उन क्वेश्चनों को आज चुना है जो SSC CGL में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और उनकी बेस्ट से बेस्ट तरीका बताएंगे, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताएंगे आपको कि उनको आप बिना पेन और पेपर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसमें बताया गया तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। तो पहले इसको आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी गारंटी है आपको पेन और पेपर उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा हमें दे रखा है, आप सभी ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो भी दे रखा है, यहाँ सपोज यहाँ स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए और इस तरफ क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर अगर टू है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ जो ए का कोफिशियंट है और यहाँ पे ए के कोफिशियंट से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ जो ए का कोफिशियंट है हम सारे कोफिशियंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ए का कोफिशियंट कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो ए का कोफिशियंट 1 है। कोफिशियंट का मतलब इसके जो आगे लिखा नंबर होता है वो, अगर कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम बी को देखेंगे, यहाँ पे बी है और इसका यहाँ कोफिशियंट कितना है, तो 1 है। ऐसे सी को देखेंगे तो वो भी 1 है। तो इसमें पुट कर देते हैं हमारी वैल्यू, यही तो फाइंड करना है हमको। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है और इसको ऐसे कर सकते थे बहुत आसानी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा इस तरीके से कुछ है, 999 होल 1/7, 999 होल 2/7, देख सकते हैं आप ये पूरी सीरीज दी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, आइए बताऊंगा। इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं और ये अभी SSC CGL 2021 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टर्म यानी एक नंबर हमें बार बार रिपीट होती दिखाई दे रही है, वो क्या है, 999 999। यहाँ पे हर टर्म्स में क्या है, 999 है। तो क्या करें, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, तो 1/7 बचेगा, यानी फर्स्ट से ये आ गया, दूसरे से क्या मिल जाएगा, 2/7। फिर नेक्स्ट देखें यहां से 3/7, ठीक, प्लस यहां से 4/7, आगे 5/7 और यहां लास्ट से 6/7। ठीक, अब एक बात और ध्यान देनी है कि ये 999 कितने टाइम्स यहां पे रिपीट हुआ है। तो यहां आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा जितना टाइम ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसको आसानी से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जब हमने डिनोमिनेटर सेम दिया हो, ऊपर अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर की नंबर प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सारी नंबर्स को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 कितना 6 6 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये 11 कितना हो जाएगा 21। तो कितना निकल के आ गया ऊपर, 21 / 7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 6000 - 6। इसको और अगर हम माइनस करके पूरा लिख दें तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 5994 कितना आ जाएगा, 5994 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5997 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक, तो इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एक सीरीज देख रही होगी, 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, इस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर है एक सीरीज में, ए किसके बराबर है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है बेसिकली।
आप अगर टाइम नहीं सही से मैनेज कर पा रहे हैं तो बेकार होगा जाएगा वहां पे आपका टाइम, यानी हाँ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में हमें एक सीरीज दी है और ये पूरा सीरीज किसके बराबर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे और स्क्वायर करने अगर बैठ गए कहीं एग्जाम में तो हो सकता है पूरे एग्जाम के टाइम आप इसी को स्क्वायर करते रह जाए और फाइनल आंसर ना निकले। तो इसको हम बेसिक ट्रिक से करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ लगा के बहुत आराम से बताएंगे। और हाँ आइए हम सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें एक बात हमें ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे जो दो ग्रुप दे रखे हैं यानी एक नंबर पॉजिटिव और दूसरी नंबर नेगेटिव, यहाँ पर देख रहे हो एक नंबर पॉजिटिव दूसरी नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव दूसरी नंबर नेगेटिव, तो इस तरीके से हम अगर फॉर्म करें तो इनका दो दो का पेयर बना लेंगे। अब हमने पढ़ रखा है कि ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो ये छोटी सी ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम देखेंगे तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2। ठीक, सिमिलरली अगर इसका देखेंगे हम तो इसका लिख सकते हैं 3 माइनस 4 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। ठीक, इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं 5 माइनस 6 और आगे इसको हम कर सकते हैं 5 प्लस 6। ठीक, सिमिलरली इसका अगर हम देखेंगे तो ये भी हो जाएगा कुछ 7 माइनस 8 और दूसरे में 7 प्लस 8, यहाँ पे 9 का भी कर लेते हैं तो 9 माइनस 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 10। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो इसकी 3 आएगी और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली आगे देखें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और यह कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 से। ठीक है, और आगे देख लेते हैं यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस, यहां से देखें तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, तो यहां से 11 निकल के आ रहा है जो कि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको -1 लिख देते हैं। यहां से क्या निकल के आ रहा है, तो ये -1 निकल के आ रहा है और किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 7 15 होता है। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा 19 हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सबको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हो -3 आएगा, -7 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -11। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा और आगे देखें इसको अगर हो जाएगा तो ये भी -19 आ जाएगा। अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं और यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, देखेंगे यहाँ कितना आ जा रहा है हमारा, तो ये 9 5 14 और एक 15 15 और ये 10 हो जाएगा पूरा, तो कितना निकल के आएगा 25, कैरी कितना आया 2, यहाँ पे 1 2 3 और जो कैरी आया था 2, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये किसमें आएगा माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। इसके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही ट्रिक पे बेस्ड हैं, इसलिए हम इनको साथ लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि एक्स प्लस 1/x में यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता था और या तो क्यूब के फॉर्म में पूछता था या तो स्क्वायर के फॉर्म में पूछता था, यहाँ जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती थी। बट यहाँ पे जो दे रखा है वो एक्स की पावर 5 1/x5 में है। तो पावर 5 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है वो आज हम बताएंगे आप लोगों को, कि पावर जब 5 हो या 7 हो तो उसको आसानी से कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर हम इसको देखें x की पावर 5 प्लस 1/x5, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x³ + 1/x³ एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्यूब हो गया यानी इससे पावर कितनी कम है, तो आप कहोगे 2 कम है, 2 डेट मीन्स स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x² + 1/x² यहाँ स्क्वायर। अब क्या होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, बट इसके साथ एक टर्म और निकल के आता है। ठीक है, वो टर्म हमारा यही निकल के आएगा, क्या टर्म आएगा, यही निकल के आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके अदर में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं,
कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर यहाँ x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू, यानी कोई नंबर है, हम सपोज कर लेते हैं कि क्या है ये p है, तो उस कंडीशन में जब क्यूब का हमें निकालना होता था, यानी हमें अगर चाहिए x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं पी क्यूब माइनस थ्री पी करते हैं, क्या करते हैं पी क्यूब माइनस थ्री पी, तो यहाँ फोर का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि पी की जगह पे क्या है फोर है, तो फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा चौंसठ, और ये कितना आ जाएगा अगर हम थ्री टाइम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना निकल के आ जा रहा है, तो ये निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिमिलरली इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये पी है तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा पी स्क्वायर माइनस टू होता है। अब यहाँ पी स्क्वायर है यानी फोर का स्क्वायर करेंगे, तो फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ओके, और इसमें माइनस कर देंगे टू, तो ये कितना निकल के आ जाने वाला है हमारा फोर्टीन। ठीक, अब सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिफ्टी टू, और यहाँ कितना आ जाएगा ये फोर्टीन, और उसमें से माइनस कर देंगे फोर, तो हमारा आ गया फिफ्टी टू, इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है फोर्टीन से, उसमें से माइनस क्या करना है ये वैल्यू, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवेन है। ठीक, ऐसे माइनस कर लो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर्टीन टू जा कितना होता है तो ट्वेंटी एट होता है, कैरी कितना है टू, और फोर्टीन फाइव जा सेवेंटी, सेवेंटी टू कितना हो जाएगा सेवेंटी टू हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करना है फोर, तो माइनस कर देते हैं फोर, यहां से निकल के आ जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर। ठीक है, ये समझ में आया, अब आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सिमिलरली हम इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, यहाँ पावर अगर सेवन है तो इसकी पावर हम फोर और थ्री में तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे फोर और थ्री में, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर फोर और नीचे एक्स की पावर फोर, यानी वन अपॉन एक्स की पावर फोर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, और इसमें से हमने बताया कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा, प्लस एडिशन में एक और टर्म आता है जो यही होता है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स वन अपॉन एक्स। ठीक, तो यहां से हमें इस दोनों की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ पावर फोर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर में जाएंगे, अभी पावर वन है तो पहले स्क्वायर में जाएंगे देन हम पावर फोर में जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर निकालें, यानी इसी का स्क्वायर निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या करते हैं पी स्क्वायर माइनस टू, क्या करते हैं पी स्क्वायर माइनस टू, अभी ऐसे यहाँ पे बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन, उसमें से टू माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा सेवन। ठीक, अब क्यूब में देख लो, तो क्यूब में क्या करते हैं पी क्यूब माइनस थ्री पी, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, और 3p यानी 9 माइनस कर देंगे उसमें से तो कितना आएगा 18, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही 18, और इसका देखो यहाँ पे फिर हमें स्क्वायर से किसमें आना पावर 4 में, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, उसमें से माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 47। ठीक है, पेन और पेपर उठाना नहीं है, ठीक, कितना बचेगा 47, इन दोनों की क्या हो रही मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ठीक, माइनस लगा दिया, ये वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 7 का कितना होता है 126, तो उसका कितना आ जाएगा 6, और हाथ में कितना है 12, अब 18 4 का कितना होता है तो 72, और 72 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, उसमें से माइनस कर देंगे 3, तो अब तो आप निकाल ही लेंगे, अब तो आप निकाल के बता देंगे, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आसान है क्वेश्चन, बट इनकी अगर ट्रिक पता है तभी आसान है। आते हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा अपान सॉरी बीटा अपान अल्फा प्लस अल्फा अपान बीटा का मान कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगर इसके मूल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें और फिर आसानी से निकल आएगा। तो वो रिलेशन क्या होते हैं और कैसे हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो वो देखिए आप लोग यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो यहाँ पे दो चीजें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज जान लो, उसमें एक होता है मूलों का योगफल, दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अगर हम मूलों का योगफल देखें, यानी अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां पे देख सकते हैं क्या है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा सेवन, और ए की वैल्यू कितनी है टू, तो यहां से हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा सेवन बाई टू। अब अगर हम मूलों के गुणनफल की बात करें यानी अल्फा और बीटा निकालने की बात करें, अल्फा इंटू बीटा तो होता है सी बाई ए, तो सी देख सकते हैं ट्वेल्व है और हमारा ए कितना है टू, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा सिक्स। अब जो एक्सप्रेशन है क्या इसको आप थोड़ा और गौर से देखो, तो ये क्या है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ऊपर कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए और इसकी तो हमें पता ही है, तो हम आसानी से इस पूरे एक्सप्रेशन का मान निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और प्लस का टू ए बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम अगर इसको ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा में लिखना चाहें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें क्योंकि प्लस में क्या आता है, प्लस में आता है टू ए बी, तो यहाँ क्या आएगा टू अल्फा बीटा, उसी को हम क्या माइनस कर देंगे टू अल्फा बीटा, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे अल्फा इसका रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रख दो वैल्यू कितना हो जाएगा 49, स्क्वायर भी कर लेते हैं साथ साथ में, और नीचे क्या हो जाएगा 4, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, नीचे भी कितना आ जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ कितना आ जाएगा तो 12, और 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो ऊपर कितना आ जाएगा 48, ठीक, और नीचे जो ये 4 आएगा वो और नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ भी नीचे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है आपका 1 और नीचे कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पर देख सकते हैं तो आ जाएगा 24। तो इस तरीके से इसकी ये वैल्यू होगी, और कौन सा ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसके लिए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे और होती है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, इसमें बताया गया तरीका और क्वेश्चन जो टाइप थे वो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, और हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।